स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा में हम सब लोग सुरक्षित हैं, उसकी पवित्र नज़र हमारे ऊपर है। जैसे कि वचन कहता है यशया के 49 और उसके 16 वचन में प्रभु का आत्मा कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि हम उस महान परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हम सुरक्षित है। जहाँ कहीं पर भी है हम सुरक्षित है, उसकी नज़र हमारे ऊपर है। आइए आज एक बहुत ही बहुमूल्य वचन पर हम ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों में, हमारी ऐसी दुख तकलीफ मुसीबतों में हमारी आवाज़ परमेश्वर सुनता है या नहीं, या हमारे इस परिस्थितियों में से, इस बोझ में से हमें कौन निकालेगा। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे और परमेश्वर के बीच में एक रुकावट है। आज एक वचन को हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और निश्चय विश्वास के साथ हम परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेगी और ज़रूर हमें जो बंधुआई है, जो एक बोझ है, उसमें से प्रभु हमें निकालेगा। आइए हम वचन को पढ़ेंगे, यशायाह चैप्टर 59 और उसको 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके। प्रिय श्रोताओं, हमारा परमेश्वर महान है, वो छोटा परमेश्वर नहीं है। जैसे हम आपस में एक दूसरों को बड़ा छोटा समझते, वैसा वो परमेश्वर नहीं, वो बहुत महान परमेश्वर है और उसकी नज़र हमारे ऊपर है। उसके कार्य बड़े बड़े हैं, बहुत महान उसके काम है। और आज फिर से एक बार उसका वचन मुझे और आपको कहता है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमारा उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। देखिए, यहाँ पर मैं और आप, हम अपने आप को देखना है कि कहीं ऐसी बातें हैं जो हमारे अधर्म है जिसके कारण परमेश्वर से हम दूर हो चुके हैं और परमेश्वर का जो काम है वो हमारे अंदर हो नहीं पा रहा है। देखो आगे लिखा है, तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे अधर्मों ने हमको हमारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आगे लिखा है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ मेरे प्रिय श्रोताओं, हमारे ही उस अधर्म के कारण, हमारे ही ऐसे पाप है जो मुझे और आपको, हमें खुद को अपने अंदर देखना है, उसके कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, ये सब कुछ मुझे और आपको, हम सबको अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें टटोल कर देखना है कि क्या ऐसे पवित्र परमेश्वर के सामने हम किस प्रकार के हैं। आगे लिखा है, कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता और न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। आगे लिखा है, उसको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, कई ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर अनर्थ को जन्म देती है। हम कुछ ऐसी बातों में अपना मन और अपना समय हम बर्बाद करते हैं। वहाँ पे कलाम हमें सिखाता है कि हम उसमें बहुत ही समय हमने अपना ज़ाया किया है, बर्बाद किया है। आगे लिखा है उसी यशायाह के 59 के 12 से लेकर 14 में ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं। जब हम देखते हैं अपने आप में, फिर हमें समझ में आता है
कि हमारे अपराध किस प्रकार के हैं। हम ये देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर में कोई गलती नहीं है, परमेश्वर गलत नहीं करता, परमेश्वर हमसे बैर भाव नहीं करता, परमेश्वर जैसे हम एक दूसरे को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वैसे परमेश्वर हमें छोटा बड़ा नहीं देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम अपने आप को टटोल कर देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे जो अपराध जो है वो परमेश्वर के सामने बहुत से हैं। देखिए आगे लिखा है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्ष्य दे रहे हैं, हमारे अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। देखिए मेरे प्रिय श्रोताओं, ये मुझे और हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि हमारे ही अपराध है, हमारे ही वो बुरे गलत स्वभाव है जो हमारे सामने है और हम उसे जानते हैं, और नहीं तो हमें जानने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर में कोई गलती नहीं है। ये हम खुद अपने आप में जानने की ज़रूरत है। हमें समझ लेना है कि गलतियाँ हमारे खुद के अंदर है। कई बार हम कहते हैं नहीं, मुझ में गलती नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के प्रियजन अभिषिक्त, हम सब लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप में परखने की ज़रूरत है। आगे लिखा है, हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया। भयंकर बात है ये कि हमने बाकी बातों में अपना समय और परमेश्वर के पीछे चलना हमने क्या किया है, छोड़ दिया है। देखिए आगे लिखा है, हम अंधेर करने लगे और उलट फेर की बातें कही, हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कही भी है। देखिए ऐसा करते भी हैं, हम बोल भी देते हैं, ऐसे बोलने में ऐसे करने में हम पूरा हमारा समय हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें इन दिनों में अपने आप में फिर से एक बार प्रभु का आत्मा कहता है, हमें अपने आप में झांक कर देखना है, हमें अपने आप को परख कर देखना है। आगे लिखा है, न्याय तो पीछे हटाया गया है और धर्म दूर खड़ा रह गया है, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई प्रवेश नहीं करने पाती है। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये आज इन दिनों में हम देख रहे हैं संसार में इस प्रकार की सारी बातें, सारे हालात इस प्रकार के हैं। कोई किसके बारे में कोई अच्छा कहना बहुत दूर की बात हो चुकी है। लिखा है सच्चाई पीछे हट गई है, धर्म दूर खड़ा रह गया है, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी है। प्रिय श्रोताओं, आज मैं और आप उस सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम उस सच्चे परमेश्वर के लोग हैं। जब हम कहते हैं कि हम उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर है, तो मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के नियुक्त जन, हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो सच्चाई हमें देखना है, हम उस सच्चाई को हमारे अंदर लाना है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सच्चाई के बारे में सिखाता है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे अंदर की हमारी जो गलत धारणा है, हमारे जो गलत बुरे सोच है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो बुरा चलना, सब प्रकार की गंदगी को प्रभु का वचन हमसे दूर करता है। और हमें इन दिनों में ज़रूरी है कि हमें अपने आप को परख कर देखना है। ये वचन मुझे और आपको आज फिर से एक बार सिखाता है कि हमारे अधर्म है जो परमेश्वर के और हमारे बीच में एक आड़ है, इसलिए परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है। हमें अपने आप को लीन और नम्र करते हुए परमेश्वर के चरणों में लाना है। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र वचन के द्वारा आपने मुझसे और हम सबों से बातें की है। अधर्म हमारे अंदर है, गलतियां हमारे अंदर है, हम उस प्रकार के बुरे बोलने वाले, बुरे सोचने वालों में से हैं। और पवित्र प्रभु, आपका वचन आज मुझे और हम सबों को यही बातें कह रहा है कि आप में और हमारे में हमारे ही अधर्म है जो आड़ आए हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करो कि हम अपने आप में परखें और हमारे अंदर की उन बुराइयों को हम अपने से दूर करें।
हमारा जो गलत बोलना, गलत सोचना हम अपने से दूर करें। पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीहा, पवित्र पिता अब्बा, आप हमारी सहायता करो। सुनने वाले सारे प्रिय श्रोताओं को हम प्रार्थना में याद करते हैं कि कोई अकेला है, कोई बोझ सा है, कोई समस्याओं में है, चिंताओं में है, बीमार है, प्रभु आप उनकी सहायता करो, सहायता करो प्रभु, दया करो, दया करो। हर दुख तकलीफ मुसीबतों में से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, और वो है। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, हम स्तुति करते हैं, इसलिए हम कहते हैं, हम मांगते हैं, हमें मिलता है, प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में, आमीन आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सुनने वाले सबों के साथ अब से लेकर हमारे मसीह यीशु आने तक हमेशा बने रहे, और सब कहे आमीन आमीन।